मैं आपको 5 ऐसी निशानियां बताने वाला हूं जो अगर आपके अंदर हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। ये संकेत वैज्ञानिकों और सफल लोगों के अनुभवों से साबित हुए हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि यहाँ इंटेलिजेंस का मतलब स्कूल के टॉपर या अच्छे मार्क्स लाने वालों से नहीं है। मैं उस इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं जो जीवन में असल में काम आती है, न कि सिर्फ स्कूल में। पहली निशानी है जिज्ञासा। कहते हैं कि बहुत ज्यादा पूछताछ करने से नुकसान हो सकता है, लेकिन ये सच नहीं है। इंसान का विकास ही जिज्ञासा की वजह से हुआ है। अगर न्यूटन एप्पल गिरने से जिज्ञासु नहीं होते तो ग्रेविटी के बारे में पता नहीं चलता। यही बात अन्य वैज्ञानिकों पर भी लागू होती है। उनकी जिज्ञासा ने बड़ी बड़ी खोजें की। दूसरी निशानी है इंटरेक्टिव ह्यूमिलिटी। हर फील्ड में इंटेलिजेंट लोग इसलिए डिमांड में हैं क्योंकि वे सही समय पर सही फैसले ले सकते हैं। इंटरव्यू में अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है तो उसे सीधे स्वीकार करना चाहिए। यह आपकी इंटेलेक्चुअल ईमानदारी को दिखाता है। अपने ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करना ही असली इंटेलिजेंस है। तीसरी निशानी है स्ट्रीट स्मार्टनेस। बहुत से लोग अकादमिक तौर पर स्मार्ट होते हैं, लेकिन असल जिंदगी की समस्याओं को जल्दी हल करने में माहिर नहीं होते। स्ट्रीट स्मार्ट लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को जल्दी और आसानी से हल कर लेते हैं। वे हर सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल कर लेते हैं। चौथी निशानी है मेटाकॉग्निशन। हाईली इंटेलिजेंट लोग सेल्फ रिफ्लेक्टिव होते हैं। वे अपने हर एक्शन को मॉनिटर करते हैं और अपनी कमियों और खामियों को खुद ही सुधारते हैं। वे अपनी एबिलिटीज को लेकर कोई गलतफहमी नहीं पालते। पांचवीं निशानी है अबिलिटी टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इंटेलिजेंट लोग कठिन समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हल करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपके अंदर ये संकेत हैं, तो समझ लीजिए कि आप कामयाब होने के रास्ते पर हैं। और अगर नहीं हैं, तो इन्हें प्रैक्टिस के जरिए विकसित किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।